वेलकम बैक टू माय चैनल पीके पास। मैं सब खैर ऐसे होंगे। तो आज मैं फिर लेके आया हूँ इंडियन मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन, जिस मूवी का नाम है नहीं है, जिसमें नजर आने वाली है विद्या बालन। काफ़ी ही समय के बाद विद्या बालन कम बैक कर रही हैं, तो देखते हैं कि मूवी का ट्रेलर के किस तरह का विद्या बालन जी कम बैक कर रही हैं, क्या हमारी नई चीज़ देख आई हैं। देखते हैं ट्रेलर को, थोड़ा सा रिएक्शन और साथ में करेंगे थोड़ा सा रिव्यू भी। जी हैं व्यूअर्स, तो जी हो गया स्टार्ट। लड़के तक कर रहे हैं। Jump off the bloody cliff! Oh, that was Shakuntala Devi. Meera Rao, oh. CBI. Mr. Kapoor ने suicide नहीं किया है, उनका murder हुआ है। वो कैसे? मुझे सारे कमरों की चाबी चाहिए और सबके फोन्स भी। Mystery of the air. ये जो उसके सारे so called friends हैं, जलते थे मुझसे। एक ही मेरा दिल बार-बार तोड़ता था। वो मुझे सबसे ज़्यादा trust करता था। आपका source of income क्या है, Mr. Mystery? Whoa. Mystery. One murder. मेरे डैड थे, वी लव्ड ईच अदर। स्टेप डैड। मैं जानती भी नहीं उन लोगों को, आज मिली हूँ इनसे। हर एक के डिजाइनर कपड़ों से बदबू आ रही है। मौत ही तो आखिरी सच है ना, उससे क्या डरना, तुम डरती हो। मैन मिस्ट्रीज, वी हैव अ किलर अमंगस्ट अस। कुछ नहीं जानती तुम हमारे बारे में। एक दिन में बहुत कुछ खो दिया है मैंने। You are turning us against each other. यहाँ जो भी हो रहा है कुछ पता है तुम्हें? मेरा टैक्टो रूप है मेरे पास। So full of टट्टी अंकल जिमी। टट्टी विक्रम मल्होत्रा प्रोड्यूसर हैं ये इस मूवी के। राम कपूर। Each and every one of you is nothing but a bloody leech. A long night and here we are. नहीं यत। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? अपना काम। सात जुलाई को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघरों में, ना कि ओटीटी पर। जैसे ट्रेलर देखने के बाद तो लग रहा था कि ये मूवी ओटीटी पर आएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिनेमा में आ रही है। तो बात करूंगा मूवी के ट्रेलर की कि ट्रेलर किस तरह का। ट्रेलर यार काफ़ी अच्छा और बेहतरीन है, ये नहीं कहूँगा बहुत लाजवाब है, बल्कि ठीक ठाक है, बस ये कह सकते हैं। ये मूवी ओके ओके, ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, ना कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि इसको देखने के लिए पब्लिक थिएटर्स में जाएगी। ये इस तरह की मूवीज़ हॉलीवुड में अक्सर औकात बनती रहती हैं, सेम इस तरह की, उसी से इंस्पायर्ड होकर ये मूवी बनाई गई है। यहाँ पर कोई दो कोई अमीर आदमी अपने फ्रेंड्स को, जो कि उससे बहुत गरीब होते हैं, उनको अपने आलीशान घर में इनवाइट करता है, जो कि एक या दो दिन के लिए होता है, और वहाँ पर उसका ही मर्डर होता है। तो इधर भी वही सीन सेम हुआ है। बहुत अमीर इंसान जो कि राम कपूर बने हुए हैं, वो अपने सारे फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को और अपने बेटे को, उसकी गर्लफ्रेंड को, सबको बुलाता है, उसकी बर्थडे है, तो वहाँ पर उसका हो जाता है मर्डर। और उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती हैं विद्या बालन जी, और वो फिर उधर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती हैं। और सभी जो लोग हैं इनके ऊपर ही शक है, और किसी के ऊपर शक नहीं, क्योंकि यही 10 से 12 लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे, तो इनमें से ही एक कोई मर्डरर है, ये तो बात कन्फर्म है, और ट्रेलर में भी यही में शो करवाया गया है। बाकी देखें कि इस मूवी के जो स्क्रिप्ट है, जो इसका थ्रिलिंग पॉइंट, इसको डायरेक्टर किस तरह से कंट्रोल करता है। इससे पहले उन्होंने ये जो डायरेक्टर है, इससे पहले उन्होंने शकुंतला देवी मूवी बनाई थी, जो कि विद्या बालन जी के साथ ही थी। मुझे तो वो मूवी इतनी खास नहीं लगी थी। बाकी देखेंगे ये मूवी किस तरह की निकलती है। थ्रिलिंग है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मूवी सिनेमाघरों में बिल्कुल नहीं चलेगी। और इसके मेकर्स को चाहिए था कि ये मूवी सीधा ही ओटीटी पर रिलीज़ करते, का कोई अच्छा सा पैकेज दे के रिलीज़ कर देते। सिनेमा में तो ये मूवी बिल्कुल ही बेकार जाएगी, मैं तो इतना कह सकता हूँ। बाकी सिनेमेटोग्राफी और जो पीछे म्यूज़िक था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था,
ये तो बात कहूँगा मैं। हाँ जी, तो मुझे तो ये लगा है इस मूवी का ट्रेलर का बस ठीक ठाक ओके ओके। आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो किस तरह लगा है? अगर अच्छा लगा है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल को भी कर दीजिएगा प्रेस, मिलेंगे बहुत जल्द अपना पता करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।